चलिए यहाँ देखिएगा सब लोग किताब, पैराग्राफ टू है, और ये किस चैप्टर का पैराग्राफ टू है? द लास्ट लेसन। सब लोग किताब देखना है ना, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और ये है पैराग्राफ नंबर टू। क्लियर है? पैराग्राफ नंबर टू। तो यहाँ पर देखो, किताब देखना, देखिए, देन मतलब तभी, एज मतलब मैं, एज मतलब जैसा कि, आई मतलब मैं, हरीड मतलब जल्दी जल्दी चल रहा था, है ना, हरीड बाई मतलब जल्दी जल्दी चल रहा था, एज फास्ट, एज मतलब उतना तेज, एज फास्ट मतलब उतना तेज, एज आई कुड गो जितना तेज मैं चल सकता था, तभी मैं जल्दी जल्दी चल रहा था, उतना तेज चल रहा था जितना तेज मैं चल सकता था, है ना। आगे द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, तभी कौन, लोहार जिसका नाम क्या था, वाक्टर था, मतलब मैं जल्दी जल्दी जितना तेज चल सकता था उतना तेज मैं चल रहा था, स्कूल के लिए भाग रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था। देन तभी द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, द ब्लैक स्मिथ लोहार वाक्टर जिसका नाम क्या था, वाक्टर था, हु वाज देयर जो वहां पर था, है ना, ब्लैक लोहार जिसका नाम क्या था, वाक्टर था, जो कहाँ था, वहां पर था, वहां पर था का मतलब बुलेटिन बोर्ड के पास में था, है ना, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट के सामने था, विद हिज अप्रेंटिस और अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, रीडिंग द बुलेटिन मतलब उस सूचना को पढ़ रहा था, अपनी समझ ज्ञान के अनुसार सूचना को पढ़ रहा था, है ना, कॉल्ड उसने बुलाया, आफ्टर मी मुझे पीछे से बुलाया, डोंट गो सो फास्ट अबे इतना तेज मत चल, ऐसे नहीं कहा, प्यार से कहा कि इतना तेज मत चलो बब, हाँ हे लड़के इतना तेज ना चल, ऐसे ब्लैक स्मिथ ने कहा, यू विल गेट टू योर स्कूल, तो स्कूल पहुंच जाएगा इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि अभी स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम है, अभी स्कूल पहुंचने के लिए क्या है, बहुत सारा टाइम है। तो एक बार इसको रिविजन कर लीजिए फिर से, देखिए, देन एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड मतलब एज आई हरीड बाई, एज मतलब जैसा कि, आई हरीड मतलब मैं चल रहा था, है ना, एज फास्ट मतलब उतना तेज, एज आई कुड गो जितना तेज मैं चल सकता था, जैसा कि मैं उतना तेज जल्दी जल्दी चल रहा था स्कूल के लिए जा रहा था, जितना तेज मेरी कैपेसिटी थी, जितना तेज मैं चल सकता था। देन मतलब तभी द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, तभी ब्लैक स्मिथ नाम, ब्लैक स्मिथ जो कि, ओ सॉरी, तभी ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जिसका नाम वाक्टर था, हु वाज देयर जो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास में था, जो कहाँ था, बुलेटिन बोर्ड के पास में था, है ना, विद हिज अप्रेंटिस और अपनी ज्ञान समझ के अनुसार, रीडिंग द बुलेटिन मतलब उस सूचना को पढ़ रहा था, उस सूचना को लोगों को पढ़ के सुना रहा था, उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए सूचना को पढ़ रहा था और लोगों को क्या कर रहा था, सुना रहा था, है ना, कॉल्ड उसने मुझे बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, आफ्टर में मुझे पीछे से आवाज़ दी, मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट बब, हे लड़के इतना तेज मत चल, लड़के इतना तेज मत चल, यू विल गेट टू योर स्कूल, तो स्कूल पहुंच जाएगा, है ना, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए अभी क्या है, बहुत सारा टाइम है, स्कूल पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, तो स्कूल पहुंच जाएगा, इतना तेज मत चल, आराम आराम से जा। क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? क्लियर।